नमस्ते मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और यह है आपकी 53 वाली वीडियो और मेरी स्किन बहुत ही डल और ड्राई लग रही है और आप लोगों को कोई भी जो स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने सॉल्यूशन जो ढूंढा है कोई भी ब्रांड का फेस वॉश लीजिए सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कीजिए फेस वॉश को ड्राई तरीके से अप्लाई करो सिर्फ जो क्रीम क्रीम है ना इसको फिफ्टी थ्री के लिए सिर्फ फेस के ऊपर अच्छे से मसाज करो और जब फिफ्टी थ्री अच्छे से बिना पानी के ओहो ये क्या अट गया तो फिर बिना पानी के पहले मसाज करो और उसके बाद जाके पानी से इसको आपको धो के आना है तो नहीं धोना नहीं है एक्चुअली आपको इसको पानी लगा के फिर दोबारा से मसाज करना है तो अब आप सोचो कि क्या यार इतना लंबा चौड़ा काम लेकिन आपको ऐसे ही करना है जब आपको प्रॉपर थर्ड डे मैं आपको स्क्रब बोलती हूँ ना जो फिफ्टी वाला वो ऐसे ही करना है उसके बाद अब पानी से धोना है फाइनली एंड अब ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे गोल सा पांडा इधर उधर घूम रहा है ऐसे बॉल्स से तौलिया ही नहीं मिल रहा था मुझे मिल गया तो अब फेस वॉश करने के बाद अच्छे से प्यार से, से बेबी का फेस नहीं साफ करते इसे कर साफ कर लो रितिक रोशन कैसे खुश हो रहा है मुझे देख के <laughs> तो अब तो आप सोचोगे ओहो फिर से दोबारा क्लेंजिंग नहीं ये है फेस स्क्रब एनी ब्रांड का कोई भी ब्रांड आप मुझे पूछना मत कौन सा ब्रांड कोई भी ब्रांड का फेस स्क्रब लेना है उसको स्टीमर ऑन करके स्टीम लेते लेते अब मैं ना एक हाथ से स्टीमर पकड़ा हुआ था दूसरे से यू नो स्क्रब करी थी तो मैंने सामने रख के फिर आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूं अच्छे से पूरे फेस पे फेस के ऊपर ना गर्मी आने देनी चाहिए ताकि स्टीम और हीट फेस पे अच्छी तरह लग जाए और स्टीम लेते लेते साथ में आपको स्क्रब करना है बहुत गर्म हो जाएगा फेस लेकिन आपको करना है एक से दो मिनट तक कर सकते हो बाद में धीरे धीरे फिफ्टी थ्री का रूल बना लेना तो उसके बाद आपको फेस वॉश करके नॉर्मल पानी के साथ और एकदम से ग्लो आ जाएगी और फिर उसके बाद शर्माना नहीं है अभी नेक्स्ट स्टेप बाकी है वर्जिन कोकोनट ऑयल लेके सिर्फ आपको लेना है दो बूंद ठीक है लेने के बाद अच्छे से हैंड्स में उसको वार्म करके अपने चेहरे के ऊपर लगाओ और ऐसे फील करो जैसे तुम ऐश्वर्या राय हो और आई के नीचे मसाज करना मत भूलना क्योंकि वहां पे मसाज करने से तुम्हारे रिंकल्स भी कम होंगे और डार्क सर्कल्स भी एंड जस्ट फील गुड अबाउट योर अपने बारे में अच्छा फील करोगे यू नो तुम्हारी स्किन ग्लो कर रही है और सच्ची में मेरी कर रही है ये आपके सामने है और उसके बाद Uh, उस बात खुश हो जाओ क्योंकि ये आपको ऑलमोस्ट डन है अब हम सनस्क्रीन का क्या काम था जो मैंने आपको 50 एसपीएफ लेने के लिए बोला जो लोग दिन में काम पे जाते हो कॉलेज जाते हो स्कूल जाते हो आपको दिन में 50 एसपीएफ धूप से बचाव के लिए आपको जरूरी है 50 एसपीएफ का सनस्क्रीन ठीक है और फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था स्प्रे बॉटल जो खाली टोनर वाली बॉटल है आपको कोई भी ब्रांड की लेनी मेरे पास पुरानी पड़ी थी उसमें मेरा थोड़ा सा रोज वाटर बचा है उसमें मैं थोड़ा सा एलोवेरा डाल रही हूं आप ऑयल भी डाल सकते हो कोकोनट ऑयल डाल सकते हो आलमंड ऑयल भी डाल सकते हो कोई भी ऑयल एलोवेरा ग्लिसरीन जो आपको सूट करता है वो डालने के बाद मिक्स करके अच्छे से सारा दिन इसको स्प्रे करते रहना है और गर्मियों में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जैसे होली वाली फीलिंग आती है सारा दिन आपने पे स्प्रे करते रहना है एंड वो आपको बेटर फील कराएगा अब आखिर में आपको बताना चाहती हूँ जिन लोगों की ऑयली स्किन है और वो बोलेंगे हमें ऑयल लगाना नहीं पसंद है हमें हम नहीं लगाना चाहते ऑयल तो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि अगर आप एलोवेरा में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स करके और उसका पेस्ट बना के एक थिक सा पेस्ट बनेगा ठीक है उसको स्किन पे लगा के देखो बहुत ज्यादा हेल्दी फील होता है तो उसको लगाओगे तो आपका चेहरा ऑयली नहीं होगा एकदम से ग्लोइंग और ऐसे लगेगा जैसे कोई सोने की तिजोरी खुल गई इतना ग्लो करेगा फेस और भूलना नहीं नेक पे हमेशा आपको अच्छे से करना होता है मसाज ताकि नेकलाइन जल्दी सब कुछ हो गया आपको याद रखना पांच चीजें एक दो तीन चार पांच गिन लो, ये आपको हर दिन रिपीट करनी है आपके चेहरे के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है सब चला जाएगा उड़ जाएगा भाग जाएगा याद रखना है अपने टी जोन पे अच्छे से स्क्रब करना है चिन पे नोज पे शाइयों पे हर चीज पे इसके साथ इफेक्ट पड़ेगा और मॉइस्चराइज करना बाद में नहीं भूलना है और आपको बिल्कुल ये चीज थर्ड डे रिपीट करने के बाद जब आपको कुछ रिजल्ट नजर आएगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताना एंड And...